मैं इतने ऊपर से गिरी फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। शिवांगी, तेरे माँ बाबा शिव के सबसे बड़े भक्त थे। नागमणि के रखवाले तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी। पर तुझमें दोनों रूप दोनों शक्तियाँ होंगी। तू नागमणि की रक्षक भी होगी और एक इच्छाधारी नागिन भी। जा, शिव ने तुझे वरदान दिया। जा ले अपने माँ बाबा का इंतकाम और रक्षा कर उस नागमणि की जिसके लिए शिव ने तुझे ये शक्ति ये रूप दिया। पहली बार जानवरों में इतनी वफादारी देख रही हूँ। मैं गधा गधा मैं गदगद हो गई। सही कहा समधन जी। समधन जी, मैंने और विक्रम ने सोचा है कि रुचिका का कोई है नहीं इस दुनिया में, तो हम ही कर देते हैं कन्यादान। वाह, मधुमक्खी की बेटी नागिन, नागिन का पति इंसान। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। बड़ी माँ, आपने शगन की मेहंदी तो लगा ली होगी ना, तो फिर आप दोनों अभी आराम करो ना, बाकी की मेहंदी मैं लगा लूंगी। हाँ ठीक है। आज कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं ना, पहली बार नागिन के हाथ में मेहंदी लग रही है। मैं तो मर जावा, ऐसे कितनी शोणा लग रही है ना मेरी बहू नागिन। बहू नागिन, ये रुचिका नागिन है। इसने तो कान में भी लगा रखा है, कैसे कहूँ कि इसने गलत सुना। कुछ तो कर। कोई है, जल्दी साफ करो इसको, साफ करो। ओहो मानसी बेटा, शगुन को नागिन बोल रही है। अरे बहू का शगुन, अच्छा शगुन लेकर आई है मेरी बहू। तू भी ना कुछ भी बोलती है। होता है, शायद कान का गिरा होगा। नहीं बड़ी माँ, देखिए है कान में। हाँ किधर है? उधर है। एक मिनट, सुन मेरी बात।
तूने नागिन को देखा है ना, तू एक बात बता, क्या नागिन ऐसी होती है? ठीक है, ये सब कुछ छोड़, तूने जरूर ये सुना होगा कि नागिन वीन के धुन से ऐसे ऐसे डोलती है, सुना है ना? ठीक है, तो देख ये सुन, बनी? नहीं। देख कुछ नहीं हुआ ना, वो वैसे ही है। अगर ये नागिन होती तो अब तो बदल जाती, पर नहीं, वो वैसे ही है। तो ये कौन है? हमारी बहू रुचिका। हाँ, और तू क्या समझ रही थी? रुचिका, I'm so sorry, वो गलती से शगुन नागिन, sorry। नहीं ना रुचिका, मेरी बहू, तसल्ली हो गई ना? चल अब तुझे। ठीक है बड़ी माँ। नागिन देख भी लेगी, दीन बन नहीं हुई तो मोटी बन कर। लगता है कहीं तूफान आया है, बारिश होने वाली है। वाओ, प्यार का मौसम आया है और मौसम का प्यार आ ही गया। आज मेरी सुहाग रात है और मेरे मूर्ख पति को लगता है कि मैं ये रात उसके साथ नहीं मनाऊंगी, उसे उसकी शिवांगी की यादों में कहीं अकेले छोड़ दूंगी। नहीं, ये एक नागिन का प्यार है, ऐसे कैसे जाने दूं? आज रात मैं उसे इतना सम्मोहित कर लूंगी कि वो मुझसे प्यार कर लेगा। एक आदमी है, एक खूबसूरत औरत जब इतने करीब आएगी तो भाग के कहां जाएगा? आज रात भी बेईमान है और मेरा प्यार भी। आज सुहाग भी है और सुहाग रात भी। जी, हम आपको तैयार करने आए हैं। चार लोग मुझे तैयार करने आए हैं, कौन कहेगा कि मैं एक नागिन हूं? मैं तो फुल ऑन दुल्हन हूं। आज मेरी शादी है और फिर सुहाग रात। आइए। आपको रोल्स लगा दे। इससे क्या होता है? इससे बाल घुंघराले होते हैं। अच्छा, मेरे तो बिना इस घुंघरू के ही घुंघराले हैं। और अगर मैं चाहूँ तो एक एक लट को घुंघराले कर सकती हूँ। वाओ, कैसे? मतलब कैसे करती हैं आप? उंगली घुमाती हूँ। वाओ, देखना चाहोगी? तुम्हारे भी कर दूं? हाँ। अरे, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी रात है, मेरी रात, मेरी सुहाग की रात।
अश्कों में है यादें तेरी भीगी भीगी, रातें मेरी गुम है कहीं, राह मेरी मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। रॉकी, अरे रॉकी तू रेडी नहीं हुआ यार, चल यार मुहूर्त का टाइम हो गया। क्या मतलब स्टोल नहीं पहना, पगड़ी नहीं बांधी? ला 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 भाई, नीचे बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर, रेडी हो जाओ बस। ये रॉकी निकुंज की शादी यही हो रही है? हाँ, लेकिन हमने शादी में पुलिस तो नहीं बुलाया। देखिए, एक लड़की को हॉस्पिटल में अभी अभी होश आया, उसने बताया कि डाकू ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। बस कुछ लोग हैं जिनको वो जानती है, आप लोग। अब लड़की अकेली है, बाहर कैसे रहेगी? उसे हम आपके यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ छोड़ के जा रहे? ये कोई धर्मशाला है क्या? देखिए, आपके सिवा उसका कोई नहीं है। अब ये कौन है? हमने तो शिवन्या के पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया था। मैडम, हाँ, कौन है वो लड़की? तौबा, अब क्या होगा? इसे तो शेषा ने कितनी ऊपर से नीचे फेंका था, इसका मुर्दा भी लाई थी, फिर भी बच गई। अब ये पुलिस को सब बता देगी तो? बड़ी माँ, मुझे पता चला डाकू ने हमला कर दिया था, उन्होंने सबको मार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया। फिर पता चला कि आप लोग जिंदा हैं, यहाँ मुंबई वापस आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करती? माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कसम देकर कहा कि बाहर मत जाना। जब मैंने उन्हें छोड़कर जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कोई चीज उठाकर मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी, फिर समझ आया कि माँ ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे वहां से हटवा दिया था और मेरी शादी का जोड़ा खुद पहन लिया। डाकुओं ने समझा कि वो मैं हूं और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैं नहीं जानती कि वो डाकू कौन थे, वो हमें क्यों मारने आए थे, क्यों उन्होंने हम पर हमला किया, पर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। आपके और रॉकी के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं।
तो हमने शिवन्या को दो बार मारा और उसने अपनी बेटी का जोड़ा पहन के बेटी को बचा लिया। मरते मरते भी धोखा दी गई, पर मरते मरते भी नागमिनी की चाबी खुद हमें दे गई। अब मैं इसे अभी और इसी वक्त अगवा करके कैद कर लूंगी। वाह यामिनी वाह, तेरा प्लान तो अभी भी फुल प्रूफ रेडीमेड खड़ा है। इसे ये कहती है कि आप किसी और किसी को नहीं जानती। देखिए, जब तक हमें पता नहीं लगा लेते कि डाकू कौन थे, हमें पूछताछ के लिए जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें बुलाएंगे, और कभी भी बुला सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं यही रहूंगी। आपको जब भी छानबीन करनी हो आप यहाँ आ सकते हैं। बड़ी माँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो तेरा ही घर है। तुम्हारी माँ, बड़ी माँ, सब कुछ मैं ही हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये यही है हमारे साथ। ओके, थैंक यू जी। चलिए, चलो बेटा। अब मैं इसे अगवा भी नहीं कर सकती, ये पुलिस वाला कभी भी टपक सकता है इससे मिलने। अब क्या करूं, मेरी नागमिनी की चाबी को तो मैं जाने भी नहीं दूंगी, दे ही नहीं सकती। वो काली नागिन तो सिर्फ नागमिनी तक ले जा सकती है, ये नागमिनी उठा सकती है। अब दूल्हा को बुलाइए। मेरा बुलावा आता ही होगा, मेरी शादी होगी, मेरे फेरे होंगे, मैं दुल्हन बनूंगी, और फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस रॉकी निकल। मंत्र शुरू हो गए। अरे शेषा, जल्दी से दुल्हन बन जा। पना पना तेरा दूल्हा और मोहरत दोनों भाग जाएंगे। सासुमा, आप मुझे लेने आई हो ना, पर मैं तो अभी दुल्हन बनी ही नहीं। बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब इतनी जल्दी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नागिनों को बिना कपड़े घूमने की बड़ी आदत है ना, ये शादी का जोड़ा बहुत ही भारी है। अरे इसके बोझ तले तू मर जाएगी, अभी शादी में वक्त है। मैं तो बस नजर मारने नजर उतारने आई थी। पहाड़ तो मंत्र बज रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी तेरी बजने वाली है, इसलिए। बड़ी शादी है ना, बड़ी शादियों में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी बजने लगती है। गणेश पूजा, वर पूजा चल रही है, उसके बाद शांति हवन। इस बार सही मुहूर्त पे सही लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा रही हूँ। कोई गलती कैसे होने दे सकती हूँ, इसलिए मैंने पंडित जी से कहा है कि जितनी पूजाएं सब करवा दो। दो बार तुझे नहीं मिला ना, पहली बार भी तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, दूसरी बार बहुत मुश्किल से मिला है। एक काम कर, तू सो जा, अब आधे घंटे के लिए तू सो जा, आराम कर, फ्रेश फील करेगी। देख, मैं ये आईपॉड लेकर आई हूँ, अच्छे गाने सुन, अच्छा अच्छा फील कर। अरे मेरी मिठाई की दुकान, हाँ? आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों सास बहू बने से रहे। हाँ? अरे नॉर्मल सास बहू कि लड़े झगड़े फिर एक दूसरे पे पड़े, हम दोनों का लेन देन का रिश्ता है ना, हाँ? है ना काली नागे? ये क्या कर रही है? स्त्री को देने। कौन सी स्त्री? स्त्री आयन, आयन करवा देती हूँ। देख कितनी सिलवटे हैं, फोटो अच्छी लगेगी, है ना? ले जा। ठीक है। आ ही गया भोपाल,
वो घड़ी, वो रात, मेरी रात, मेरी सुहाग रात, आज मेरी शादी है। बड़ी माँ, बाहर क्या हो रहा है? कोई फंक्शन है क्या? इतनी सजावट, इतने सारे मेहमान। आज रॉकी की शादी है बेटा। अब नहीं बेटा, तू उसे गलत मत समझ। उस बेचारी को यही लगा था कि तू मर गई, तो वो भी मर गया। मतलब मर मर के जी रहा है वो। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, बहुत बीमार हूँ मैं भी मरने वाली हूँ। बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं रॉकी की शादी देखूं। बड़ी मुश्किल से मना है मैंने उसे रुचिका के साथ शादी करने के लिए, पर अब तो आ गई ना, रुचिका अपने आप पीछे हट जाएगी। रॉकी को उसका प्यार मिलेगा और मुझे मेरी खुशी, रॉकी की खुशी में ही मेरी खुशी है। वो सही वक्त पर आई है, सही मुहूर्त पर आई है, मेरे रॉकी के लिए आई है। मेरा मतलब है तेरे रॉकी के लिए आई है। चल अब रॉकी के साथ शादी कर ही ले। बड़ी माँ, पहले एक बार रॉकी से तो बात कर ली। ना बेटा ना, बात बिगड़ जाएगी। मतलब बिगड़ी हुई बात बनानी है मुझे। ये शादी का जोड़ा ले, और दुल्हन के जोड़े में जब रॉकी तुझे देखेगा और उसके चेहरे पर जो खुशी होगी, वही खुशी देखना चाहती हूँ मैं। मैं ना उसे सरप्राइज दूंगी। चल अब जल्दी से दुल्हन बनकर नीचे आ जा। रॉकी से प्यार करती है ना, उसकी खुशी के लिए। मेरी बहू बनकर मेरे इस घर में आ जा। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप कहें। मेरी होने वाली बहू, चल अब जल्दी से इसे पहन ले। पर हाँ, घूंघट चेहरे पर रखना। मैंने कहा ना, सरप्राइज। सरप्राइज तो अब मैं तुझे दूंगी यामिनी। मैं इस घर में आ गई हूं, अब यहीं रहकर अपनी माँ बाबा की मौत का बदला लूंगी। काक्षो साहब आए, माँ बहन तरह सुचि। हा चलिए अब कन्या को बुलाइए। लो दुल्हन भी आ गई, बड़ी माँ खुद लेके आ रही है। आए, एक और अच्छा कर्म कर रही है। बैठे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब हस्तमिलाप के लिए वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधू दाहिना हाथ वर के हाथ में देगी। अब लड़की के माँ बाप कन्यादान के लिए आगे आइए। हाँ
अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। चलिए अब बार फेरों के लिए आगे आएगा। पहले फेरे की पहली कसम, मेरा पति एक खूनी है। अब मोहब्बत बनेगी नफरत की दास्तान। मांग में सिंदूर नहीं, खून भरूंगी। पति को परमेश्वर तक पहुंचा दूंगी। दूसरा फेरा, दूसरी कसम, मैं इस घर में बहू नहीं मौत बन के प्रवेश करूंगी। सास बहू की एक नई कहानी का श्री गणेश करूंगी। तीसरा फेरा, तीसरी कसम, मेरी मां की आंखों में मौत का जो तांडव देखा, वही तांडव अब मैं इस घर में करूंगी। मेरी मां के कातिलों को बर्बाद कर दूंगी। चौथा फेरा, चौथी कसम, मैं इस घर का हर अंश, हर वंश बिता दूंगी। अब इस घर में कोई खुशी जन्म नहीं लेगी, होगी तो बस मौत। पांचवा फेरा, पांचवी कसम, मैं इस मंडप को शमशान मान के इस घर में मौत की मंत्र पढ़ूंगी। हवन की इस अग्नि को चिता की आग बना दूंगी। मौत की कहानी इस घर से शुरू हुई, इसी घर में खत्म करूंगी। छठा फेरा, छठी कसम, मैं एक इच्छाधारी नागिन की बेटी इच्छाधारी रूप लूंगी। पापियों को डस लूंगी, बल को बल से, छल को छल से काटूंगी। सातवां फेरा, सातवीं कसम, मैं अपनी हर कसम पूरी करूंगी। इंतकाम लूंगी, इन सब से अपना इंतकाम लूंगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। जोर शोर से मंत्र की प्रैक्टिस हो रही है। लगता है कि पंडित की तीसरी आंख ने बता दिया है कि नागिन की शादी हो रही। गाने सुन सुन के बोर हो गई हूँ, जाने ये पंडित कब बुलाएगा। क्या करूं? चलिए फेरों की विधि संपन्न हुई, अब आप दोनों बैठ जाए। बैठ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, देखना पड़ेगा। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा। वधु की मांग में सिंदूर भरेगा। राखी बेटा, रॉकी,
मांग भरो। ये शिवांगी है या मेरा भ्रम? अरे ये दुल्हन है तो फिर वो रुचिका, वो कहाँ है? बेटा तेरा प्यार जीत गया, वो वापस आ गए, मांग भरू ना बेटा। मुहूर्त सामने है, चलो जल्दी करो। नहीं रुक जाओ। विवाह की विधि संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये मर गई थी ना, जिंदा कैसे हो गई? ये तो कमाल हो गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसे तो शेषा ने इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका था, फिर ये बच कैसे गई? अगर इसने अपना मुंह खोला तो हम सब मरेंगे। वो सब जाने दो, पर यामिनी वहां पर क्यों खड़ी है? वो वहां पे क्या कर रही है? इन सब के दिमाग में गधे घोड़े दौड़ रहे होंगे, इनका मुंह बंद करना है तो तू अपना मुंह खोल। ये बेचारी दुखों की मारी मर गई। मेरा मतलब है, हम लोगों को यही लगा था कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही, पर नहीं, ये थी। लेकिन लेकिन अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेचारी शिवन्या बहन, उन डकैतों ने शिवन्या बहन को खत्म कर दिया, और शिवांगी को बचाने के लिए शिवन्या बहन ने इसे वहां से भगा दिया, और इसका शादी का जोड़ा उसने खुद पहन लिया। उसने हमारी आंखों को चकमा दे दिया। मतलब डकैतों को यही लगा कि वो शिवांगी थी, और उन्होंने शिवन्या बहन को खत्म कर दिया। हमको लगा कि वो मुझ गई, गया रॉकी का प्यार, पर नहीं, अमर प्रेम है। अमर प्रेम कभी मरता नहीं, ये मौत के मुंह से वापस आ गई है। हम हार गए, मतलब हम हार के भी जीत गए। अरे भाई, ये तो कमाल की खबर है, शिवांगी जिंदा है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है हमारे लिए? हमें पता नहीं था कि तुम जिंदा हो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। शिवांगी को तूने मार डाला था, वो हमें नागमणि तक ले जा सकती है। हाँ, मैंने उसे मार दिया था क्योंकि मुझे रॉकी से शादी करनी थी। बरसों से मैं सच्चे प्यार का इंतजार कर रही थी, बरसों से। अपना गुस्सा अंदर रख, अगर तेरा गुस्सा सबके सामने बाहर आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि तू एक नागिन है। मैं बोल रही हूँ, मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं एक नागिन हूँ। मैं रोगी से प्यार करती हूँ, मैं इस बार अपना सच्चा प्यार नहीं खोने दूंगी, और इस शिवांगी को नहीं छोड़ूंगी मैं। शिशा, शिशा,
तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं एक नागिन हूँ। और एक नागिन से उसका प्यार कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ? पता है तुझे? मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगी जो तुझे जिंदगी भर याद रखेगी। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, तुझे डस लूंगी। Stop it, stop it! क्या कर रही हो तुम? चलो नहीं छोड़ूंगी मैं ऐसे, जाने दो, नहीं छोड़ूंगी। बड़ी माँ ये क्या बोल रही थी? क्या कहा उसने? वो नागिन है, सांप है ये। आप इसे घर में लाए थे ना, तो आप ही को पता होगा इसके बारे में। हाँ, वो एक नागिन है। अपने स्वार्थ के लिए हर लड़की नागिन ही होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही अरमान होता है कि कब उसकी सौत उसके सामने आए और उसे डस ले। नहीं बोल रहा, क्या बोलती वो कि मैं बहुत खुश हूं? जिस लड़के से मैं शादी करने वाली थी वो लड़का किसी और से शादी कर रहा है, ये देख के मैं बहुत खुश हूं। नहीं, वो खुश नहीं है, आप इसे बाढ़ हो गई है। एक बार रॉकी, सिर्फ एक बार उसके दिल से सोच टूट गया, उसका सपना टूट गया। जिंदगी भर उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया, और आज उसे उसका प्यार मिल रहा था, आज उसकी शादी हो रही थी, और उसकी शादी के दिन ही उसने तुम्हें खो दिया। लेकिन बड़ी माँ, आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शिवांगी के घर आते हमने क्यों नहीं बताया? अगर आप बता देते तो मैं रुचिका को समझा देता। यूं अचानक अगर शादी होगी तो शौक तुम सबको लगेगा ही ना बड़ी माँ? बेटा, मैं तुझे समझाती हूँ। आज रुचिका हर्ट है मेरी वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शिवांगी का अचानक घर में आना, मेरी जिंदगी में आना, इस बात की खुशी मनाओ या अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं तो मैं चली जाती हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कभी भी चाह सकता हूं? लेकिन बड़ी माँ, कुछ तो है जो मुझे चुभ रहा है। तो चल मेरे साथ, मैं तुझे समझाती हूँ। चलो। जा यामिनी जा, अब तू ही मेरा काम करेगी, करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तुझे चाहिए नागमणि और मुझे चाहिए इस घर में जगह। इस घर में रहूंगी तो ही तुम सबको मारूंगी, घर में घुस के मारूंगी, छल को छल से मारूंगी। बड़ी माँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? रुचिका का गुस्सा जायज है, तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं समझा सकता था उसे, लेकिन इतनी हड़बड़ी में शांति। बड़ी माँ क्यों? तो जानती है बड़ी माँ, आज मुझे इस बात की तकलीफ हो रही, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। रुचिका को भी इसी बात की तकलीफ होगी। मैं तुझे समझाती हूँ बेटा, हालात कुछ ऐसे थे कि मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रही थी। जैसे ही शिवांगी को देखा, जितनी खुशी मुझे हुई उतनी हैरानी भी हुई। वो वापस आ गई थी, लेकिन उस वक्त वापस आई जब तेरी शादी हो रही थी। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि अगर वो जिंदा है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तेरा प्यार सच्चा है। देख, अपने प्यार की ताकत देख बेटा, वो हमारे सामने है, जिंदा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पुण्य काम के लिए भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं, इन हाथों से कोई अच्छे कर्म करवाना चाहता है वो। और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। रॉकी, रॉकी तू उस लड़की से बहुत प्यार करता है, उसी लड़की से तेरी शादी हो रही थी, और अगर मैं ये शादी रोकती और रुचिका को समझाने की कोशिश करती तो वो मुहूर्त निकल जाता, और फिर 4-5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। समझने और समझाने का वक्त बिल्कुल नहीं था मेरे पास। मैंने यही सोचा कि एक बार ये शादी हो जाए, फिर मैं रुचिका को सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है ना बड़ी माँ,
चार पांच महीने इंतजार कर लेते, कौन सी बड़ी बात थी? और उसमें बिग डील, एक बार शिवांगी की तरफ देख, मौत को मात देकर वो वापस आई है, बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई नहीं है उसके साथ। एक ही पल में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, तू उसका है। और देख, वो यहां आती और अगर वो ये देखती कि तेरी शादी रुचिका के साथ हो रही है तो उस पर क्या बीतती, वो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? और अपनी शादी के इंतजार में क्या वो यहां चार पांच महीने रुकती? ना रोकी ना, चार पांच मिनट भी नहीं रुकती। हो सकता है ये शादी देखने के बाद उसे सदमा पहुंचता, वो अपनी जान दे देती और रॉकी तू उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देता। देख, अब उस लड़की की जिम्मेदारी तुझ पे है, तू उसे खुश रख। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये शादी करवाई है। और सही वक्त पे वो लड़की तेरी जिंदगी में आई है, शायद शायद शिव जी की भी यही मर्जी थी। और फिर क्या पता इन चार पांच महीनों में अगर उन डकैतों ने फिर से उस पर हमला कर दिया तो? एक अपला नारी इस दुनिया में अकेली है जिस पर वार हुआ, जिस पर तिरस्कार हुआ। हाँ, लेकिन बड़ी माँ, आप कौन सी गारंटी है कि वो डकैत फिर से हमला नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? और करेंगे भी तो हम है ना, हम उसे बचाएंगे। रॉकी, यही तरीका था इस हालात को संभालने का, और मैंने वही किया बेटा। बस तू उसे खुश रख। और रही रुचिका की बात, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। बस तू शिवांगी को संभाल ले। अब दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने तुझे तेरा प्यार वापस दे दिया। तो प्यार करने वालों को मिला है मैंने, तो प्रेमियों को मिला दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं बड़ी माँ, ऐसे नहीं रोते, प्लीज रोते नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि जब वो दिल तोड़े तो प्यार से कहीं ज्यादा नफरत हो जाए उस इंसान से।